नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रुक कर लेते हैं इस वक्त की खास खबर का। दिवाली का त्योहार और प्रदूषण की मार, हवा में मानो जहर घुल गया। देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रदूषण है तो वो है दिल्ली NCR। हरियाणा भी एयर पॉल्यूशन से अछूता नहीं है। गुरुग्राम और फरीदाबाद भी जबरदस्त पॉल्यूशन की चपेट में है। त्योहार है तो पटाखों से भी नहीं बचा जा सकता। पिछले दो दिनों में हवा की क्वालिटी और खराब हुई है। साथ ही हरियाणा में किसानों ने धान की कटाई शुरू होते ही खेतों में आग लगानी शुरू कर दी है। वहीं राज्यभर में प्रतिदिन औसतन 100 आग के मामले सामने आते हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं जिसमें कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र हॉटस्पॉट जिले होंगे। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर तो सरकार सख्त हो गई है। सामान्य पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है और दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार की दीपावली ग्रीन पटाखों वाली होगी। सामान्य पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा क्योंकि ऐसे पटाखे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सर्वेक्षण में करीब 10,000 परिवारों ने नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से पटाखे खरीदकर रख लिए हैं। दिल्ली NCR में बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि पटाखे दिल्ली NCR में प्रदूषण की प्राथमिक वजह नहीं है। उनके मुताबिक पराली जलाना, वाहनों का धुआं और कुछ अन्य कारक प्रदूषण की प्रमुख वजहें हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर हवा में किस तरह से प्रदूषण देखा जा सकता है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वायु प्रदूषण यहां पर हो चुका है और सबसे ज्यादा दिल्ली NCR में प्रदूषण इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ऐसे में त्योहार हैं तो पटाखों से भी नहीं बचा जा सकता। कई लोगों ने पटाखे जलाने के लिए पहले से खरीद कर रखे हुए हैं और ऐसे में अब जहां एक तरफ राज्य सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है, सिर्फ ग्रीन पटाखे ही यहां पर जलाए जा सकते हैं, तो वहीं बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार की दीपावली ग्रीन पटाखों वाली होगी। सामान्य पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा क्योंकि ऐसे पटाखे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सर्वेक्षण में करीब 10,000 परिवारों ने नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से पटाखे खरीदकर रख लिए हैं। वहीं दिल्ली NCR में बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि पटाखे दिल्ली NCR में प्रदूषण की प्राथमिक वजह नहीं है। उनके मुताबिक पराली जलाना, वाहनों का धुआं और कुछ अन्य कारक प्रदूषण की प्रमुख वजह हैं। तो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं जहां पर लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किस तरह से हवा भी दूषित हुई है ये भी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में मुख्य वजह है पराली जलाना, वाहनों से निकलता धुआं, इसे फिलहाल प्रदूषण का मुख्य कारण बताया जा रहा है। जिस तरह से आज दीपावली का त्योहार भी और ऐसे में कई लोग पटाखे भी चलाते हैं, प्रतिबंध होने के बावजूद भी कई लोग पटाखे चलाते हैं और ऐसे में अब प्रदूषण का स्तर और कितना गिर सकता है ये सोचने वाली बात है। तो दिवाली का त्योहार और प्रदूषण की मार, हवा में मानो जहर घुल गया। देश में सबसे ज्यादा दिल्ली NCR में प्रदूषण है, वही हरियाणा भी एयर पॉल्यूशन से अछूता नहीं है। गुरुग्राम और फरीदाबाद भी जबरदस्त पॉल्यूशन की चपेट में है। ऐसे में त्योहार है तो पटाखों से भी नहीं बचा जा सकता। पिछले दो दिनों में हवा की क्वालिटी और खराब हुई है और साथ ही हरियाणा में किसानों ने धान की कटाई शुरू होते ही खेतों में आग लगानी शुरू कर दी है। राज्यभर में प्रतिदिन औसतन 100 आग के मामले सामने आते हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या कई गुना बढ़ जाएगी, जिसमें कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र हॉटस्पॉट जिले होंगे।
वहीं फरीदाबाद से हमारी सहयोगी गौरी हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही ब्यूरो हेड गुरुग्राम से सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, जिस तरह से एक तरफ जहां त्योहार है तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार लगातार देखने को मिल रही है, प्रदूषण से बुरा हाल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त गुरुग्राम में देखने को मिल रही है? बिल्कुल जागृति, देखिए कल छोटी दीपावली थी और छोटी दीपावली के दौरान जिस तरह से पटाखे चलाए गए यहाँ पे, कहीं भी कोई पाबंदी का असर नहीं है। और कहने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू किया है कि कहीं भी अवैध तरीके से पटाखों की बिक्री या फिर पटाखे चलाए जाते हुए खरीदते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके पाबंदियों के बावजूद जिस तरह से दीपावली छोटी दीपावली पर पटाखे चले हैं और आज सुबह स्मॉग देखा गया तो उससे साफ लग रहा है कि आज दीपावली है और कल की जो सुबह होगी वो पूरी तरह से प्रदूषित सुबह या प्रदूषण के चादर में लिपटी हुई सुबह होगी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज खुद इस संदर्भ में जो गुरुग्राम के सिविल सर्जन है उन्होंने तमाम डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर्स खासकर गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं, उनको स्टैंड बाई पे कर दिया है, यानी कल सभी लोग मौजूद रहेंगे, स्टेशन कोई नहीं छोड़ेगा, त्योहार मनाने के बावजूद भी वो स्टेशन पे बरकरार रहेंगे ताकि अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो उससे निजात पाई जाए। साथ ही जो टीम है जिला प्रशासन की वो कंटिन्यू पटाखे की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए मुआयना कर रही है, लेकिन गुरुग्राम की मैक्सिमम जो जनता है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो आस पास से, नियर बाई से, अगर मैं पटौदी फरकनगर का जिक्र करूं या नियर बाई रेवाड़ी है वहां का जिक्र करूं या उत्तर प्रदेश के हिस्से लगते हैं वहां से पटाखे लेकर लोग अपने घरों में पटाखे ला चुके हैं और आज दीपावली पे देखना होगा कि इन पाबंदियों का कितना असर पड़ता है। जी जी बिल्कुल, गौरी आपसे भी जानना चाहेंगे फरीदाबाद में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, वहां पर भी लोग पटाखे चलाते नजर आ रहे हैं। जी फरीदाबाद में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फरीदाबाद में लगातार जो है बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोग पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में जो है AQI लेवल पहले ही ज्यादा बढ़ता दिखता है और इसके बाद पटाखे फोड़ने के बाद जो है दिवाली के दिन जो है लगातार AQI बढ़ जाता है, प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी समस्या होती है। जी जागृति। जी बिल्कुल सुशील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ जिस तरह से जो है प्रतिबंध तो लगाए गए हैं, क्या लोग इसका पालन करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पटाखे तो चलाए जा रहे हैं, तमाम तरह की जो है कार्रवाई भी की गई, लेकिन बावजूद इसके लोग कैसे पटाखे खरीद पा रहे हैं? देखिए जगरीति, आपने सही कहा और ये पाबंदी कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार पाबंदियां इस तरह की लगाई जा चुकी हैं और औसतन मैं बात करूं तो प्रत्येक साल इस तरह की पाबंदी लगाई जाती है कि दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक है, लोग ग्रीन पटाखे चलाएं और दीपावली सेफ दीपावली मनाएं, ग्रीन दीपावली मनाएं, लेकिन इसका असर दिखने को नहीं मिलता और शायद कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके, जो लोग पटाखे चलाते हैं उनके जहन में यह बात घर कर गई है। और अमूमन चूंकि ये देखिए ग्रामीण इलाकों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन शहरी उन इलाकों की बात कर रहा हूं जहां पढ़े लिखे लोग हैं, सोसाइटियां हैं, करोड़ों के फ्लैट्स हैं, वहां के लोग भी पटाखे चलाते हैं और उनके पीछे वो तर्क देते हैं कि जो प्रदूषण बढ़ता है वो केवल पटाखों से नहीं बढ़ता, उसके पीछे और भी कई कारक काम करते हैं, प्रशासन को उन कारकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, प्रशासन को अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए और पटाखों पर बैन लगाने से प्रदूषण का स्तर कम नहीं होगा। क्योंकि अगर हम अक्टूबर से बात करें, अक्टूबर की शुरुआत से ही आप देखेंगे कि नवरात्रों का दौर चल रहा था, उस वक्त ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे वायु सूचकांक कहते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं, वो खराब स्तर पे है और कई स्थानों पर बेहद खराब, क्योंकि एक जो पैमाना है उससे कहीं ज्यादा, कल का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि कल किस तरह से नोएडा में 311 तक पहुंच गया था, फरीदाबाद में 268 से 286 तक था और गुरुग्राम में 311 तक सूचकांक खराब स्तर पे पहुंच चुका था। सबसे ज्यादा आनंद विहार की स्थिति खराब थी क्योंकि अलग अलग स्थानों पे पैमाना लगाए गए हैं, मानक लगाए गए हैं और वहां जिस तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं उसी आधार पर होता है। और इसी के साथ देखिए ग्रैप के साथ पाबंदी की बात दिल्ली सरकार कर रही है और वो लाजमी है, दिल्ली में जो फैसले होते हैं वो दिल्ली NCR में लागू होते हैं, हरियाणा के 14 जिले हैं जो NCR में आते हैं और जब भी कोई फैसला होता है तो इस पर प्रभावी होता है, असरदार होता है। और जो ग्रैप है इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहते हैं, इसको अगर
अमल लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में कई ऐसी कंपनियां हैं जो प्रदूषण उत्सर्जित करती हैं, चिमनी सहित जो है उन पर पाबंदियां लगती है, तंदूर वाले होटल्स पे पाबंदियां लगती है, डीजल वाहनों पे, रेल को अगर छोड़ दें तो डीजल वाहनों पे पाबंदी की बात की जाती है ग्रैब के थ्रू। साथ ही जो पार्किंग स्थल है उनके रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं ताकि लोग घरों से कम वाहन निकालें। अमूमन त्योहारों के मौसम में जागृति ये सारी चीजें देखी जाती है कि किस तरह से लोग घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ियां लेकर निकलते हैं, घंटों जाम में होते हैं और जाम के बाद प्रदूषण का जो सूचकांक, मानक सूचकांक है, प्रदूषण का पैमाना है, वो कहीं ना कहीं खराब स्तर में पहुंचता है। तो ये केवल अगर हम पटाखों को जिम्मेदार माने तो ऐसा नहीं, और यही वजह है कि ये जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कहीं ना कहीं पर्यावरणविद है और पर्यावरण के प्रति अपने आप को जागरूक और सक्षम बताते हैं, वे लोग भी पटाखे चलाते नजर आए हैं। और इसकी बानगी कल हमने छोटी दीपावली पर देखी है कि किस तरह से गुरुग्राम में पटाखे चल रहे थे। आज हालांकि दीपावली है, बड़ी दीपावली है, और निश्चित तौर से आज भी पाबंदी के बावजूद भी स्थिति वैसी ही नजर आने वाली है और हर तरफ कहीं ना कहीं पटाखों की गूंज होगी। और जैसा कि हम लोग प्रत्येक साल दिखाते हैं कि दीपावली के दूसरे दिन हम सीधे पहुंचते हैं सड़कों पे और लोगों पे और अस्पतालों में कि कितने लोग प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं उनसे ग्रसित कितने लोग हैं और कितने अस्पताल पहुंच गए और किस तरह से आबो हवा दूषित है और प्रदूषण का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो कितने बेहद खराब से खराब स्तर पर पहुंच गया, कौन सा इलाका है और क्या कुछ प्रशासन करेगी। देखिए कितना जागृति बदलाव आया है। अमूमन अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं तो पहले दीपावली के बाद हम फायर ब्रिगेड के दफ्तर पहुंचते थे और वहां जानने की कोशिश करते थे कि कितने जगहों पे आग लगी की घटनाएं हुई, कितने का माल खाक हुआ, कहीं लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन अब बिल्कुल बदल गया है और सबकी निगाहें केवल प्रदूषण पर टिकी रहती हैं कि जैसे ही दीपावली में पटाखे चलेंगे और कारण कोई और हो, लेकिन पटाखों के जिम्मे यह माना जाता है कि पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ा है और फिर उसको पीछे हम लगते हैं और वही दिखाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, हिसार से अनूप भी हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, जगह जगह पर प्रदूषण का जो स्तर है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से फरीदाबाद में भी 342 पर जो है अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो देखने को मिला था बीते दिनों, ऐसे में हिसार में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जाते हैं और पटाखों में जहरीला धुआं निकलता है जिससे बड़ी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है और यहाँ हमारे साथ RDO पब्लिक स्कूल के चेयरमैन भी जुड़ चुके हैं जिन्होंने इस बारे में जागरूकता के तौर पर अभियान चलाया बच्चों के साथ मिल करके कि जो प्रदूषण रहित दीपावली मनाया जाए, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है सर हर खबर में आपका। धन्यवाद सर। इस बार दीपावली में बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, सरकार ने पहन भी किया, आप लोगों ने अभियान भी चलाए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हमने स्कूलों में ये अभियान चलाया है और सभी बच्चों को इसलिए एक ही संदेश दिया है कि दीपावली पटाखों रहित होनी चाहिए क्योंकि ये पटाखे बहुत ही नुकसानदायक है। अगर घर में कोई बूढ़ा है, बच्चा कोई बीमार है, उसके लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है और हमारे बच्चों ने बिल्कुल इस संदेश की पालना की है और पुराना मंडी के आसपास क्षेत्र में इस बार बहुत ही नाम मात्र पटाखे की संख्या है क्योंकि बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं और यहाँ के बच्चे जितने भी हैं हमने बार बार संदेश दिया है कि पटाखों रही दिवाली हो, लेकिन इसका पालन आस्थमा के जो मरीज होते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सर आस्थमा के मरीज के लिए तो बहुत ही हानिकारक है, वो आस्थमा के लिए तो जानलेवा है ये क्योंकि आस्थमा के मरीज के लिए धुआं जो पटाखों से निकलता हुआ धुआं है ये उसकी जानलेवा बन जाता है और इसलिए हमें दिवाली को प्रदूषण से रहित हमने मनानी चाहिए क्योंकि जितने पटाखे बजाए जाते हैं उतना ही प्रदूषण होता है और उस दमा के मरीज के लिए तो ये समझो जानलेवा बन जाता है। बिल्कुल, देखिए जागृति हर कोई यही मैसेज देना चाहता है कि दीपावली जो है वो पटाखों से रहित मनाई जानी चाहिए, धुआं नहीं होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए क्योंकि वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है, खास करके एक तरफ तो पराली का सीजन चला होता है, पराली का धुआं कहीं कहीं वातावरण में मिला हुआ होता है, साथ में दीपावली का त्यौहार आ जाता है तो ऐसे में जो काफी एक गुबार बन जाता है और सांस लेने में भी दिक्कतें होती है, तो इस प्रकार की समस्याएं जरूर देखने को मिलती है। लेकिन इस बार हिसार में हम बात करें तो प्रशासन भी काफी अलर्ट नजर आया और बहुत सारे स्कूलों ने इस प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए और लोगों में उन जागरूकता अभियान का असर भी देखने को मिला, बहुत नाम मात्र पटाखे यहाँ पर बजाते हुए दीपावली के अवसर पर देखे गए। जागृति,
जी बिल्कुल अनूप, जिस तरह से अगर हम बात करें प्रदूषण की तो सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि पटाखे तो सिर्फ बीते दो तीन दिनों से चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा पराली और वाहनों से निकलने वाले धुएं से भी प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो पराली जलाने के मामले हैं उन पर किस तरह से जो है नियंत्रण किया जा रहा है? बिल्कुल देखिए सर, बिल्कुल सही बात है, पटाखों के अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे वो गाड़ियों का होना है, उसके अलावा पराली का धुआं है, या फिर छोटे छोटे ऐसे यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाती है जिनको बिना मापदंड के लगाया जाता है, या बहुत सारे आजकल ये भी होता है कि जो ईंट भट्टे होते हैं उनको, बहुत सारे तो जो है मापदंडों पर चलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ईंट भट्टे होते हैं जहाँ पर मापदंड की बजाय रबड़ तक वहाँ पे जलाया जाता है, जिनसे बहुत जहरीला धुआं निकलता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वातावरण दूषित होता है, तो इस प्रकार से कहीं न कहीं सरकार को भी अलर्ट होना पड़ेगा, प्रशासन को भी अलर्ट होना पड़ेगा, और आम जन को भी अपनी जिम्मेवारी ऐसे में समझनी पड़ेगी जाकर। जी बिल्कुल, गौरी आपसे भी जानना चाहेंगे, फरीदाबाद में जिस तरह से आपने बताया कि बीते दिन भी जो है छोटी दीपावली के दिन भी कई लोगों ने पटाखे जलाए और इसमें प्रतिबंध भी उन पर लगाया गया है, क्या बावजूद इसके प्रशासन ने इस तरह से कोई कार्रवाई की? क्योंकि प्रशासन की इस पर जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई पटाखे चलाता है प्रतिबंध होने के बावजूद भी तो उन लोगों पर कार्रवाई जरूर की जाए। जी, हाल ही में गली में पटाखे तोड़ रहे थे बच्चे, जिसके चलते उनके बच्चों के जो पेरेंट्स है उनके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही प्रशासन जो है कार्रवाई तक भी नजर आती है। ऐसे में मार्केट में भी अगर बम पटाखे फोड़ते हुए लोग नजर आते हैं तो उनको भी उनके ऊपर ही प्रशासन एक्शन लेती हुई नजर आते थी। जी बिल्कुल, सुशील गुरुग्राम में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है? प्रशासन को तो जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस तरह से जो है अगर प्रतिबंध लगाया गया है तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो प्रतिबंध के बावजूद भी पटाखे फोड़ते, क्योंकि सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। ऐसे में क्या प्रशासन द्वारा इस तरह से लोगों पर कार्रवाई की जा रही है? अभी कोई FIR दर्ज करने की सूचना नहीं है, हालांकि ये सूचना जरूर मिली कि पटाखियों की बिक्री प्रतिबंधित है, तो ऐसे में कोई सरेआम पटाखा न बेचे, कहीं पे नहीं बेच रहा है, इसको लेकर मुआयना की गई और कई स्थानों पर पुलिस की टीम ने उन पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई भी की है। लेकिन जहां तक पटाखा चलाने वालों पर कार्रवाई की बात है, क्योंकि यहां के जो रेजिडेंट हैं, गुरुग्राम के जो वासी हैं, वो आस पास के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से या नियर बाई स्टेट से भी जाकर पटाखे लाते हैं, और उनका एक साफ तौर पर मानना है कि साल कभी एक बार का एक त्यौहार है और ऐसे उनका एक हक है, उनकी वो पटाखे चलाते हैं और चलाते दीपावली है, और आज देखना होगा कि आज तो प्रशासन मुस्तैद है और कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि 144 CRPC इंपोज करने के बाद प्रशासन की पुलिस की भी ड्यूटी है कि निश्चित तौर से उन जो पटाखे फोड़ते हैं चलाएंगे उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे, तो यह देखना होगा कि आज पुलिस कितने पर कार्रवाई करती है। हालांकि मुनादी कराई, हालांकि यह ऑर्डर लागू किया जा चुका है, लोगों से अपील लगातार जिला प्रशासन कर रहा है, तमाम समाज सेवी अपील कर रहे हैं, पर्यावरणविद के लोग अपील कर रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा को हित को ध्यान में रखते हुए इस बार की जो दीपावली है तो आप ग्रीन पटाखों के साथ मनाएं, पटाखे न चलाएं ताकि प्रदूषण का स्तर न बढ़े। लेकिन ये मैं फिर एक बार कहूंगा कि ये अमूमन हम कई बार सुनते आए हैं, पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि इस बार की दिवाली बिना पटाखों की होगी, बिना इस तरह के केवल ग्रीन पटाखों के सहारे होगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। पर जिसकी वानगी कल दिख चुकी है, और आज देखना होगा कि आज किस तरह से क्या वास्तव में लोग इस पाबंदी को मानते हैं, पुलिस के खौफ भय को और CRPC 144 को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, या फिर प्रशासन का एक जो आदेश है केवल और केवल एक आदेश बनकर रह जाता है। जी बिल्कुल सुशील, और ऐसे में बड़ी बात ये भी है कि क्या प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद या जिस तरीके से प्रशासन जो है सिर्फ इस खौफ से कि उनको इस पर सजा होगी या जुर्माना देना होगा, इस खौफ से ही लोग सिर्फ जो है पटाखों को नहीं चलाएंगे, क्या खुद की जिम्मेदारी किसी नागरिक की नहीं बनती? क्योंकि अगर प्रदूषण होगा तो प्रशासन और सरकार को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो हर एक इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे में लोगों के अंदर भी अपने आप में एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो है पटाखे न चलाएं या वाहनों में जो है जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। देखिए जागृति, बहुत अच्छी बात आपने कही है और मैं भी यही कहने वाला था
ये गुरुग्राम है, यहाँ लोग खौफ नहीं मानते, यहाँ प्रशासन की पाबंदी नहीं मानते। हाँ, अपने से अगर उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए और कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रेम उनके अंदर जगे तो निश्चित तौर पर सारी चीजें मानी जा सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि बेशक से मैं ट्रैफिक का जिक्र करूंगा कि ट्रैफिक में देखिए कितनी पाबंदियां लगाई गई है, नियम सख्त है, लगातार चेकिंग होती है। उसके बाद भी गुरुग्राम के लोग, अधिकतर लोग, मैं सबका जिक्र नहीं कर रहा हूं लेकिन अधिकतर गुरुग्राम में रहने वाले न चालान से डरते हैं और ना कोई ट्रैफिक नियम के ढंग से पालन करते हैं। इसलिए मैं डिफॉल्टर की लिस्ट कर सकता हूं कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा लोग ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, उसके पीछे रीजन यहाँ के चालान है। और मैं उन आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहूंगा कि आज जिस तरह से चालान किए जाते हैं और जिस मैक्सिमम वेज में चालान होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ चालान होते हैं, तो इससे साफ लगता है कि जो वायलेटर है, जो नियमों की अनदेखी करने वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा है। सेम वही कंडीशन पटाखों पे लगता है कि प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया और उनका मानना है कि प्रशासन का एक कर्तव्य है कि आदेश जारी कर दे और उस पर कार्रवाई करे, जबकि उनका जो फर्ज है कि दीपावली साल में एक बार आता है, उस दिन वो पटाखे चलाएं, तो निश्चित तौर पर वो चलाते हैं और चलाएंगे। दूसरी तरफ कि देखिए, जब जहां तक कानून का आपने प्रावधान की बात की, तो पटाखों की बिक्री को लेकर धारा 144 लागू है। अगर कोई व्यक्ति इसको तोड़ता है, कोई बेचता है या पटाखा चलाता है, तो उस पर आईपीसी की सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई होती है। उसमें जुर्माना का भी प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान है। लेकिन ये हर उस मामले पर यह धारा को इंपोज किया जाता है और उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करती है। तो लोग भी इस बारे में मत अवेयर है, पूर्ण जानकार है और उनको कहीं ना कहीं जानकारी है, इसमें कुछ खास सख्ती नहीं होनी है। ये केवल प्रशासन का एक वैसा हथियार है जिसे लागू कर आगे की कार्रवाई की बात की जाती है। तो ये प्रशासन ने किया है और अब आज दीपावली में, और मैं तो देखिए कहूंगा इस बात को, क्योंकि गौरी भी बता रही थी फरीदाबाद से कि हालात क्या है, तो निश्चित तौर पर मैं भी कहूंगा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों सेम है। यहाँ पाबंदी चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन पटाखे तो चलते हैं और चलेंगे और चलते ही रहेंगे, जो दिखता है। हाँ, लोगों में ऐसा कोई अवेयरनेस आ जाए, पब्लिक इतनी अवेयर हो जाए और वो पटाखे ना चलाएं और वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति ऐसे हो जाए, तो निश्चित तौर पर उस समय मान सकता हूं कि आप चलिए पटाखों पे रोक, पूर्ण रोक नहीं लेकिन जरूर ज्यादा से ज्यादा रोक लग सकती। जी बिल्कुल अनुप, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से फरीदाबाद और गुरुग्राम की तस्वीरें हमने देखी और सुशील और गौरी ने भी बताया कि वहां पर तमाम प्रतिबंध लगने के बावजूद लोग जो है वो नहीं मानते हैं, हिसार में भी जानना चाहेंगे लोग क्या ग्रीन दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने भी और प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि इस बार वो ग्रीन दिवाली मना, व्यक्ति के लिए तो ये जानलेवा है और इसके लिए सरकार अगर थोड़ा सा जागरूकता की जरूरत है, अगर थोड़ी जागरूकता ले आए तो इसके ऊपर पूरी पाबंदी लग सकती है। बिल्कुल जागृति, देखिए हर कोई वरिष्ठ व्यक्ति गांव का शहर का हर जो यही चाहता है कि इसके लिए सरकार भी कदम बढ़ाए, प्रशासन भी कदम बढ़ाए और साथ में जो संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनमें जिस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर पढ़ने वाले छात्रों तक एक संदेश दिया जाना चाहिए, उनमें संस्कार डाले जाने चाहिए कि ग्रीन दिवाली मनाई जाने की, और भी जिस प्रकार से जहाँ जहाँ से प्रदूषण हो रहा है उस पर रोकथाम की जानी चाहिए जागृति। जी बिल्कुल गौरी, साथ ही साथ आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रशासन अलर्ट है लेकिन बावजूद इसके क्या अब लोगों में खौफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जुर्माना भी लगाया गया है, क्या बावजूद इसके अब लोगों में खौफ नजर आ रहा है, जिन लोगों का जुर्माना कटा है क्या अब वो लोग मान रहे हैं इस चीज को? जी जागृति, बिल्कुल लोग जो है खौफ थोड़ा लोगों में कम है, क्योंकि लोग चाहे भी चालान कट जाए उसके बाद भी जो है मानते नहीं है, लोग लगातार पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली जो है उनके लिए इसलिए होती है कि पटाखे जो है वो फोड़े जाए, लेकिन प्रशासन जो है उनसे अपील करते हुए भी नजर आती है कि जो इको ग्रीन जो पर्यावरण के लिए स्वस्थ पटाखे हैं उनके लिए वो फोड़े जाए, लेकिन जो लोग हैं उनको शायद अवेयर होने की जरूरत है और अवेयरनेस जो है वो फैलानी चाहिए। जी जागृति, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुशील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनूप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। तो खास खबर में आज आपने देखा, जहां प्रदेश सरकार द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोग इस चीज को नहीं मान रहे हैं, इन प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा भी लगातार अपील की जा रही है कि पटाखे न जलाए जाए, लेकिन बावजूद इसके चालान कटने के बावजूद भी लोग यहां पर पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारी भी आपसे यही अपील है कि इस बार ग्रीन दिवाली मनाएं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक नागरिक होने के चलते, एक आम नागरिक होने के चलते अपनी जिम्मेदारी समझे, ग्रीन दिवाली मनाएं और प्रदूषण से प्रकृति को बचाएं। खास खबर फिलहाल के बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।